नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। दुगड्डा से लापता हुई छात्रा गाजियाबाद से मिली। कोटद्वार के दुगड्डा से 15 मार्च को नाबालिग छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली और वापस घर नहीं लौटी। शाम तक छात्रा के वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने चिंता जताई और उसकी काफ़ी तलाश की। नाबालिग का कहीं पता न चलने पर परिजनों द्वारा दुगड्डा पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल, क्षेत्राधिकारी गणेश लाल कोहली और कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव व CIU के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग का पता लगा लिया और पुलिस ने बच्ची को गाजियाबाद से कोटद्वार ले आई है। 15 मार्च से गायब नाबालिग को कोटद्वार टीम बनाकर ढूंढ रही थी, वहीं पुलिस द्वारा सफलता नहीं मिल पा रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा फोटो और डिटेल पोस्ट की गई, जिसके बाद मात्र 2 दिन में ही जानकारी मिल गई। और छात्रा इससे पहले भी, आपको बता दें कि छात्रा इससे पहले भी 2 बार नाराज होकर बिना बताए घर से बाहर जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से छात्रा को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।